pre-loved clothes, मतलब आप जो खरीद चुके हैं एक बार पहना फिर साइज चेंज हो गया या कभी खरीदा था किसी इम्पल्सिव बाइंग की वजह से लेकिन अब आपको पसंद नहीं है टैग लगा हुआ है, इस तरीके के कपड़े आप वार्डरोब पे आके बेच पाएंगे. और वहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स है जिनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख+ फॉलोइंग है, जबकि वार्डरोब पे आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. हमने ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर आ सकते हैं. नमस्कार, मैं हूँ विनोद आर्य, आप देख रहे हैं धंधे की बात, और आज खतरनाक इंसान मेरे साथ है. ठीक है, और खतरनाक इंसान से बहुत सारे खतरनाक सवाल करेंगे हम लोग. इनके स्टार्टअप से रिलेटेड वार्डरोब नाम की एक ऐप बनाई है इन्होंने, ठीक है, और उस ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ श्वेता आपको बताएगी. श्वेता, क्या है वार्डरोब? वार्डरोब की अगर हम बात करें तो वार्डरोब एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, विच इज़ वॉट टू वेयर एंड फ्रॉम वेयर टू बाय. हमने देखा होगा आम जिंदगी में हमें बहुत लोग के कपड़े पसंद आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के, पीयर्स के, फ्रेंड्स के, लेकिन हम झिझकते हैं पूछने में कि ये कहाँ से लिया, या अगर वो बता भी देते हैं कहाँ से लिया तो वी आर टू लेजी कि किसी साइट पर जाके खरीदें या फिर उस जगह जाके लाएं. तो वार्डरोब पे जितनी भी पोस्ट हैं आप वहीं पे उनको शॉप कर सकते हैं. अच्छा, मतलब ये पहला फीचर है, ठीक है, जो अभी लाइव हो चुका है. अच्छा, आगे जाके अगला फीचर जो आने वाला है वहाँ पे आप अपने प्री लव्ड क्लोथ्स, मतलब आप जो खरीद चुके हैं एक बार पहना फिर साइज चेंज हो गया या कभी खरीदा था किसी इम्पल्सिव बाइंग की वजह से लेकिन अब आपको पसंद नहीं है टैग लगा हुआ है, इस तरीके के कपड़े आप वार्डरोब पे आके बेच पाएंगे. तीसरी चीज़ फैशन कंसल्टेंसी होगी इसमें, जिसमें आप सिर्फ 200 रुपये में अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू क्लोथ्स. जैसे मैं डेट पे जा रही हूँ, मुझे कुछ तो डिफरेंट पहनना है, तो इन्फ्लुएंसर आपको 5 लुक्स देंगे आपकी प्रोफाइल देख के सिर्फ 200 रुपये में, और आप वो ले सकते हैं सजेशन. क्या बात है. अच्छा, एक आपसे बात हुई थी मेरी कि लोग इससे पैसा भी कमा सकते हैं, ये कैसा फीचर है भाई? हाँ, ये एक ऐसा फीचर है कि आप अपनी पिक्चर डालते हैं इंस्टाग्राम की तरह, आपको दिखेगा वार्डरोब जब आप डाउनलोड करेंगे पहली नज़र में. आप अपनी पिक्चर डालते हैं वहाँ पे, आपको लिंक्स डालने का ऑप्शन होगा. जैसे कि आपने मिंट्रा से स्वेटर खरीदी है, आपके पास उसका लिंक होगा, आप मिंट्रा पे जाके कॉपी करेंगे, वार्डरोब पे आके पेस्ट करेंगे. अगर इस लिंक के थ्रू परचेज होता है तो आपको कमीशन मिलेगा. इसका मतलब यह है कि अगर 10 लोगों ने खरीद लिया उस लिंक के थ्रू तो आपका पैसा वसूल हो गया स्वेटर का. अच्छा, तो ये तो यार बैठे बैठे मैं तो फ्री में कपड़े खरीद सकता हूँ. जी हाँ, और ये कैशबैक नहीं, कैश है. अच्छा, यू कैन अर्न कैश, अब बैठे बैठे कैश अर्न, कैश नकद हाथ में पैसा दोगी. हाँ जी. तो वो कोई कॉइन वाला सिस्टम और वो सब? वो हम नेक्स्ट स्टेज में ला रहे हैं जिसमें ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम. ब्लॉकचेन का सिंपल मतलब ये है कि आपको हर एक्टिविटी के लिए कॉइन्स मिलेंगे वार्डरोब पे. ओके, आप किसी की पिक्चर लाइक करते हैं कॉइन मिलेगा, आप अपना फोटो डालते हैं कॉइन मिलेगा, इन कॉइन्स को आप यूज कर सकते हैं. They are equivalent to cash on water. Great, great, great. अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यार मार्केट में सही में ऐसी कोई प्रॉब्लम है? या लड़कियों के दिमाग में प्रॉब्लम हमेशा रहती है. Being a girl, मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया है. जब भी कोई ओकेजन आता था या नहीं आता था, कुछ अलग ड्रेसअप करना है, हम लोग गूगल करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, पिंटरेस्ट करते हैं, पर इन दी एंड हम कन्फ्यूज होकर चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसने बहुत सुंदर पहना है, कहाँ से खरीदे हमें नहीं पता चलता. इस तरीके से ये शुरू हुआ. फिर मैंने रिसर्च की, मैंने सर्वे डाला अपने फेसबुक फ्रेंड्स के अमंग्स, और सर्वे रिजल्ट बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे. तो मुझे ये भी थोड़ा खतरा लगा, इनका मेरे लोग हैं, मेरी ही तरह सोचते हैं, तो अगर फेवरेबल रिजल्ट है तो कुछ गड़बड़ है. फिर मैंने अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ सर्वे किया, और मुझे ये लगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है लोगों को कि हम क्या पहने, कुछ अलग पहनना है, कहाँ से खरीदें. नहीं, खैर लड़कियों में नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों में भी है. जी हाँ, जरूर. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगभग नहाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन नहाने के बाद पहनना क्या है उसमें मुझे लगभग 40 मिनट लग जाते हैं सोचने में. Exactly, लगते हैं. एक सर्वे ने इनफैक्ट ये बताया था कि हम साल के 36 आवर्स वेस्ट करते हैं सिर्फ ये सोचने में कि क्या पहनना है. अरे भाई साहब, तो आपने इतने घंटे बचा दिए. इतने घंटे बचा, बहुत बढ़िया, बहुत सही. अच्छा, कॉम्पिटिशन आपके होंगे, जरूर होंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे बीट करोगे? जितना जल्दी जो मार्केट में पहुंच सकता है वो उतना बड़ा होगा. इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग कम्युनिकेशन. आपको ऐप समझ आई, ऐप का मतलब समझ आया, आपको पसंद भी आया, लेकिन एक एक यूज़र को ही मालूम होना चाहिए कि इस ऐप पे आके वो अर्न कर पाएंगे. जो चीज़ वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं वो सेम यहाँ करनी है, पर इमेजिन एक फ़ोटो डालने के लिए आपको रुपये मिल रहा है, क्यों नहीं? तो ये चीज़ कंज्यूमर के माइंड में पहुँचानी पड़ेगी. जितना जल्दी हम मार्केटिंग इसका कर पाएंगे, जितना ज़्यादा एरिया में कर पाएंगे, उतना आगे हम पहुंच पाएंगे. कंपटीशन है, अगर आप बोले यूरोप में है 21 बटन्स, एग्जैक्टली वही कर रहा है जो वार्डरोब कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सिटी स्पेसिफिक है और वहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स है जिनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख+ फॉलोइंग है. ओके, जबकि वार्डरोब पे आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. ग्रेट, हमने ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर आ सकते. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक नॉर्मल यूजर भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है. नॉर्मल यूजर भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है. ग्रेट ग्रेट, ये बहुत बढ़िया. अच्छा, तो आपकी वार्डरोब में ऐसा क्या है कि लोग बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाएंगे और वार्डरोब इंस्टॉल करेंगे?
अगर आप देखें तो अभी तक ये कहना गलत नहीं होगा कि वार्डरोब सिर्फ अकेली ऐसी ऐप है जो पूरा फैशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. अगर हम तीनों फेजेस लॉन्च कर देते हैं, क्यूरेशन है जो अभी तक और कहीं नहीं है, एक एक काम एक एक ऐप ज़रूर कर रही है, पर आजकल के टाइम में फ़ोन पे 10 ऐप कौन रखता है. तो आपके सारे फैशन वोज वार्डरोब वोज अगर एक जगह सॉल्व हो रहे हैं तो क्यों ना आप इस पर आएंगे. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पिच की है? कोशिश कर रही हूँ, जा रही है. अच्छा, बहुत सही. अच्छा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एज अ अगर मैं सोचूं कि इन्वेस्टर के माइंड में जो सवाल चल रहे होंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टर के माइंड में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि क्या होगा अगर ये ऐप नहीं चली. व्हाट इफ यू फेल? सबसे पहली चीज़, हर ऐप की जो हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट करते हैं वो अजम्पशन बेसिस होती है. मैं वार्डरोब की बात करूँ या इनफैक्ट फेसबुक ने भी जहाँ शुरू किया होगा, जब शुरू किया होगा एक बेसिक अजम्पशन को लेके वो प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्रोथ क्या होगी. अगर हम उसको देखें और मिनिमलिस्टिक फिगर भी लें जहाँ पे मैं 2% की ग्रोथ दिखा रही हूँ, तब भी वार्डरोब एक बहुत अच्छा एग्जिट देता है. व्हेन आई एम सेइंग अच्छा, कम से कम 2.5% का एग्जिट बुरे से बुरे हालात में भी वार्डरोब दे रहा है. सो यस, कंटेंट स्पेस डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन इसमें ग्रोथ और एग्जिट बहुत अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अपार्ट फ्रॉम दिस ऐप, मैं आपकी पर्सनल जर्नी पूछना चाहूँगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी, क्या क्या जर्नी रही आपकी अभी तक. एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बहुत लकी रही हूँ. मैंने ऐप पे काम करना 9 महीने पहले शुरू किया था. मैं लकी थी कि मुझे बहुत कम से कम रुपए में ये ऐप बन पाई. मैं जब कम रुपए की बात कर रही हूँ तो सिर्फ 25,000 रुपए में ये ऐप तैयार थी मार्केट में. ऐसे कैसे? मैंने 3 स्टूडेंट्स जो IIT हैकाथॉन के विनर्स थे उनको लिया और उनसे ये ऐप बनवाई. जब मैं बाहर जाके कंपनी से पूछ रही थी कॉस्ट जो ऐप बनाने की आ रही थी 5 लाख 10 लाख इतनी आ रही थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है व्हेन यू आर नॉट अर्निंग. तो मैंने दिमाग लगाया कि ये एक तरीका किया जा सकता है कि हम स्टूडेंट्स को लें, दे आर वेरी टैलेंटेड. तो अलग अलग हैकाथॉन्स में ये लोग जीत चुके थे. मैंने इनको फॉलो किया और इनको रिक्वेस्ट की विल दे बी रेडी कि ये ऐप बनाए, और उन्होंने बनाई. यहाँ पे भी मेरा काम हो गया था. दूसरा, मैं लकी थी कि मेरा इंडिया एक्सेलरेटर में सिलेक्शन हो गया, तो मुझे मेंटरशिप, सर्वर्स, इस तरीके की जो भी मदद एट दिस पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिली मुझे. फिर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. मेरी एक 3 साल की बेटी है, उसको भी बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, पर वो कंप्लेन नहीं करती है. माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, मुझे पूछते रहते हैं ऐप चलाने के लिए रुपए हैं हम दें, ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर हर तरीके का सपोर्ट मुझे मिला है. तो मैं काफ़ी लकी रही हूँ. इनफैक्ट आजकल इकोसिस्टम भी स्टार्टअप का बहुत फ्रेंडली है. इफ़ यू हैव एन आइडिया जिसकी पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से सपोर्ट देते हैं. ग्रेट. अच्छा, इकोसिस्टम से रिलेटेड ही मेरा सवाल है कि अभी तक लगभग कितनी जगह आपने पिच किया है वार्डरोब को लेके? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत कम, 2-3 जगह ही पिच किया होगा. तब तक ही मुझे उनमें से एक ने बोल दिया था आप अभी से पिच मत करो, वरना 1 साल बाद लोग बोलेंगे अच्छा से अभी तक फंडिंग नहीं मिली. अच्छा. तो मैंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पिच करना कम किया था, पर जो पिच राउंड्स होते हैं वहाँ मैं जाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, और ये तो एक हसल है जो चलती ही रहती है. अच्छा, इन्वेस्टर्स को लेकर सबसे बुरी बात जो आपको लगती है? वो इसका पोटेंशियल अभी नहीं समझ पा रहे हैं. ओके, ये तो हर फाउंडर बोलेगा, लेकिन बुरी कोई बात नहीं है, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. एंड अच्छा है, वो हम लेते हैं, सुधार करते हैं. अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगती है इन्वेस्टर्स को? सुनते सब है. अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने बिना सुने अपना एक ओपिनियन दे दिया हो कि ये ऐसी ऐप है ये तो नहीं चलेगी. नहीं, सुनते सब है, पूरा सुनते हैं, मुझे अच्छे से समझाते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. पूरे कन्वर्सेशन में से 1-2 बात ऐसी ज़रूर निकल के आती है जो मेरे काम आए. मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको इन्वेस्टर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, मैंने कहा था पैसे देते हैं. उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता. चलिए ठीक है, यही कुछ हमारे सवाल थे, और लग रहा है कि आपकी ऐप में दम तो बहुत है. मैं खुद एक पर्सनल यूजर हूं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वार्डरोब एप्लीकेशन. आप एक्टिव हैं? एकदम एक्टिव यूजर. ठीक है, हर 3 दिन में एक फोटो डालता हूं, बढ़िया DSLR से खिंचवा के. जगदेश बढ़िया फोटो खींच देता है मेरी स्टूडियो में. ठीक है, तो श्वेता बहुत बहुत मुबारक है आपको इस ऐप को लेके, और जल्दी से जल्दी आप फंडिंग राउंड क्लोज करो और इंस्टाग्राम को बीट करो आप. जरूर. या तो इंस्टाग्राम आपको खरीद ले. जरूर. आप ऐसे ही अच्छी बातें करो और जरूर होगा. तो ये सारी चीजें हो तो बहुत अच्छा है. अच्छा, और धंधे की बात की ऑडियंस आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. यूज कीजिए, अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, पर इसमें सुधार होगा. आप अर्न कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे अपना पॉकेट मनी, बिना शर्ट का पिक्चर, मतलब आप किसी भी अपनी पुरानी शर्ट की पिक्चर लगाएंगे जितने का वो आया होगा, आप उससे डबल या 4 टाइम्स भी कमा सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, कम्युनिटी बनाओ, एंड थैंक यू. सब कर लो यार, सब कर लो, और धंधे की बात को सब्सक्राइब भी जरूर करना. बहुत शुक्रिया. चलिए, थैंक यू.